असल माई नम रिज़वान चीमा वेलकम बैक विद अदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के इस वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वन कैपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट्स मोर देन जस्ट एन अपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट के हवाले से तमाम डिटेल जो जो आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स हो सकती हैं किसी भी इंडिविजुअल को स्टार्टिंग फ्राम कितने एरिया का प्रोजेक्ट है किस लोकेशन में बन रहा है इस प्रोजेक्ट में कितना एरिया ओपन रखा गया है कितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन हो रही है इसमें जो चीज़ें ऑफर की जा रही हैं वो कौन सी चीज़ें हैं उनका मैप क्या है उनका लेआउट प्लान क्या है तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं

वर्टिकल कॉम्प्लेक्स होगा इसका टोटल एरिया कितना होगा इसकी तमाम डिटेल्स आपको स्टूडियो में एक्सप्लेन करता हूँ तो इसमें बिफोर गोइंग द डिटेल्स ऑफ द मैप ऑफ द लेआउट प्लान ऑफ द अपार्टमेंट्स या चीजें जो ऑफर की जा रही हैं सबसे पहले कि इसका एरिया कितना होगा ये ऑफर इसकी लोकेशन कहाँ पर ऑफर की जा रही है ये इसका ब्रोशर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें तमाम चीज़ें आपको डिटेल वाइज एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले कि इसकी लोकेशन कहाँ पर आती है तो वन कैपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट की अगर आप मास्टर प्लान पर लोकेशन देखें तो आपको ओवरसीज ईस्ट यूनिवर्सिटी में अगर आप ब्लॉक आई देखें जो एक पूरा सेक्टर है इसको रिजर्व किया गया है वन कैपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट्स के लिए अब इन अपार्टमेंट की खास बात यह कि इसमें जो मुख्तु टावर्स बनाए जाएंगे या मुख्तफ चीजें बनाई जाएंगी वो टोटल एरिया की टोटल ट्वेंटी एट परसेंट बनती हैं यानी कि आज से पहले अपने पाकिस्तान में कहीं नहीं सुना होगा कि एक सौ किनाल का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो उसमें से टोटल अट्ठाईस कान पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो या दो सौ किनाल का प्रोजेक्ट हो तो उसमें फिफ्टी सिक्स किनाल पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो या तीन सौ किनाल का प्रोजेक्ट हो उसमें एट्टी थ्री किनाल पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो यह पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है कि सौ कनाल के प्रोजेक्ट में एटी थ्री कनाल पर कंस्ट्रक्शन हो रही है बाकी तमाम का तमाम एरिया जो है वो ओपन स्पेस रखी गई हैं उसकी एलिवेशन किस तरह से है उसकी तमाम चीजें आपको इस वीडियो में आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको लोकेशन बता दिया कि इसकी लोकेशन कहाँ पे आती है इसकी लोकेशन आती है ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक आई जिसके अगर हम नॉर्थ साइड में बात करें तो इसे कमर्शल हब बनता है इसकी ईस्ट साइड में बात करें तो आपका ओवरसीज सेक्टर सी बनता है अगर हम इसके वेस्ट साइड में बात करें तो स्पोर्ट्स एरिया मेन फोर हंड्रेड फीट पे जो सेंट्रल पार्क बनेगा यहाँ पे यानी स्मार्ट सिटी का जो सबसे बड़ा पार्क होगा 400 फीट रोड पर जामिया मॉस्क भी है उसके इसके जो है, उसके बिल्कुल साथ ये वेस्ट यानी कि जो अपार्टमेंट ईस्ट और अपार्टमेंट के ये वेस्ट पर तो से मिलती है अगर हम बात करें सौथ पे, सौथ पे सेक्टर जी बन, जे बनता है बात करते हैं जी उसकी ओवरऑल एलिवेशन की इस वक्त हम स्क्रीन पे ओवरऑल इसकी एलिवेशन देख सकते हैं ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है इस वक्त सेम इसी तर्ज पे कैपिटल स्मार्ट सिटी वन कपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है अब इस बिल्डिंग की अच्छी बात ये क्या है कि एक तो ये जिस बिल्डिंग में जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रही है वो एटी थ्री कनाल एरिया है आउट ऑफ थ्री हंड्रेड कनाल या टू हंड्रेड एटी सेवन कनाल अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो तीन सौ कनाल कर लें तीन सौ कनाल में से एटी थ्री कनाल पर सोसाइटी कंस्ट्रक्शन करिए बाकी तमाम का तमाम एरिया पार्क लगून मॉस्क मॉन्टीसरी स्कूल या जो आप कह लें कि बच्चों का किन् गार्डन होता है उस स्कूल के लिए ऑलरेडी वो लैंड रिजर्व कर दी गई है इसको जो डिज़ाइन किया वो 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 एक जिन्होंने डिज़ाइन किया वो आगे जाकर मैं वीडियो में जिक्र करता हूँ बल ओवरऑल जो एलिवेशन होगी इसकी ब्लॉक की वो इस तरह से होगी कि इसमें एक तरफ जो जितना आपका ये मॉस्क है या आपका जो अपार्टमेंट्स हैं इसका सारा का सारा जो शेड हुआ आपकी जो सामने लगून बनेगा जो एक वाटर बॉडी होगी जो ब्लॉक आई में स्पेसिफिकली तैयार की जाएगी इससे पहले लगून का कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में आपको नहीं मिलता ये पहली अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी जिसमें आपको लगून का कॉन्सेप्ट मिलेगा यानी कि आपकी एलिवेशन इस तरह से तैयार की जाएगी कि आपके सामने हर अपार्टमेंट नहीं तो एट्टी अपार्टमेंट जो होंगे वो वाटर बॉडी फेसिंग होंगे जो कि इस्लाम में एक रेयर चीज़ है अब दूसरी बात करते हैं एलिवेशन की वो क्या खास बात है इस एलिवेशन में जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मद्देनज़र रखी गई है वो ये कि इसके पे हॉर्टिकल्चर जो वर्टिकल है और इसकी जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है उसको मार्गला से तशवी दी गई है यानी कि मारगला जो इस्लामाबाद का सिग्नेचर है तो जिस तरह मारगला की पहाड़ियाँ होती हैं उस तरह ऊपर जाके इसका सेम उसी तर्ज पर इसको मार्गला की ज पर डिजाइन करने की कोशिश की गई है याद रहे कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से इसको दो साल से प्रमोट किया जा रहा था लेकिन इसके बारे में कोई इंडिविजुअल नहीं जानता था कि यह प्रोडक्ट कब लॉन्च की जाएगी कैसे लॉन्च होगी किन रेट्स पे लॉन्च होगी इसके हवाले से किसी इंडिविजुअल को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी आप अगर एम टू से लाहौर से इस्लाबाद सफर किसी भी इंडिविजुअल ने पिछले दो ढाई साल में किया है तो जैसे ही आप टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड पे आपको जो सबसे पहला बिल बोर्ड नजर आता है वो इसी एलिवेशन के साथ आपको नजर आएगा ये पिछले दो साल से हो रहा है इसके अलावा पिंडिंग में कुछ बात करूँ तो कचहरी चौक में एक बिल बोर्ड लगा हुआ था इसके अलावा जो गुजारे के आया था इसके हम बिल बोर्ड था तो मार्केटिंग इसकी दो साल से हो रही थी अब इस प्रोजेक्ट को एक्चुअली लॉन्च किया गया कि अपार्टमेंट को, को बिल्कुल हर लिहाज से परफेक्शन के तौर पर देखा गया है कि आप देखें थ्री हंड्रेड में से आप एटी थ्री किनाल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो एरिया बनता है वो परफेक्शन के जुमरे में वैसे ही आ जाता है ये ओवरऑल एलिवेशन अगर इसका टॉप व्यू देखें यानी अगर आप बिल्डिंग के टॉप से देखें तो आपको इस तरह से एलिवेशन मिलती है यानी ऊपर से आपको हर तरफ से वेंटिलेशन मिलेगी एक एक अपार्टमेंट जो है वो कॉर्नर अपार्टमेंट कंसिडर होगा सब्जेक्ट टू के उस अपार्टमेंट की इस एलिवेशन के साथ कहीं भी आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है वन बेड अपार्टमेंट है टू बेड है थ्री बेड है फोर बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट है तमाम के तमाम अपार्टमेंट जो है वो कॉर्नर अपार्टमेंट काउंट होंगे क्योंकि तमाम के तमाम अपार्टमेंट्स को इस तरह ओपन स्पेसिस मिल रही हैं अब मैं आगे इस ब्रोशर में इतनी चीजें मैंशन है मैं एक्सप्लेन करता जाता हूं ताकि आप लोगों को मैं ट्राई करूँगा वीडियो को शॉर्ट करूँ ताकि आगे आने वाली जो साइड पर जो कंस्ट्रक्शन होगी उसकी चीजें ऐड कर दूँ या बाकी इंफॉर्मेशन बाद की वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ क्योंकि पहली वीडियो अपार्टमेंट से वाले से तो मैं ट्राई करूंगा जितनी प्रोवाइड कर सकूँ बुक करना तो आपको आर से आ, आ, आसानी रहे अच्छा मैंने बात की, थी पहले, एलिवेशन की, के मार्गला की स्पेस को एलिवेट किया गया अपार्टमेंट्स को, को ताकि इस्लामाबाद का जो कैपिटल टच है वो आए और साथ मॉडर्न लिविंग इस्लामाबाद में आपको इस तरह का पहले पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं मिलता तो इसको बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया टोटल चीजें हैं वो कितनी हैं में कितने अपार्टमेंट किस साइज के हैं और तमाम चीजें आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले जी टोटल वन कैपिटल अपार्टमेंट कितने सत्रह सौ अड़तीस अपार्टमेंट हैं। वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थर्टी एट अपार्टमेंट्स हैं टोटल और इन अपार्टमेंट की मैं अगर आपको डिटेल एक्सप्लेन करूँ इसमें नाइन्टी थाउजेंड स्क्वेयर फीट ऐसा एरिया जो सर्विस ऑफिस के लिए अफोर्ड होगा जैसे ये वाले आपको बिल्डिंग नजर आ रही है ये सर्विस ऑफिस होगा यानी कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है कोई मेहमान आता है तो आपको यहाँ पे उसको ठहरा सकते हैं ये बेसिकली होटल अपार्टमेंट्स होंगे लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे ये किसी और कंपनी को आउटसोर्स किए जाएंगे तो आप कोई भी गेस्ट आते हैं कोई भी आपकी जानने वाले आते हैं इस्लाबाद में तो आप उनको यहाँ पे इजिली घर के बिल्कुल पास स्टे करवा सकते हैं तो आपकी इसके प्राइवेसी भी डिस्टर्ब नहीं होगी और सेकेंडली आपको घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी आता जी वन वन 1 lakh 31 thousand uh, square feet uh, retail f and b यानी कि ये आपको फूड एंड बेवरेज जो आपका आमतौर पे होटल के लिए यूज होता है वर्ड कि आपको इसमें एक लाख इकतीस हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो होटल एंड बेवरेज के लिए मिलेगा फूड एंड बेवरेज के लिए जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है किसी भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लिए एक लाख साठ हजार स्क्वायर फीट इसमें ग्रीन एरिया है और इसमें थर्टी थाउजेंड स्क्वायेयर फीट की वाटर बॉडी है सिक्सटी थाउजेंड फोर हंड्रेड स्क्वायर फीट की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है एंड वन पॉइंट सेवन फाइव किलोमीटर के वॉकवेज हैं यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर यानी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जिसमें सत्रह सौ अड़तीस अपार्टमेंट है टोटल और इन अपार्टमेंट के लिए तमाम का एरिया आपको सोसाइटी की तरफ से यानी कंपनी की तरफ से आपको फ्री मिलेगा आपको इसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने सोसाइटी ने एक्स्ट्रा चार्जेस को जब इसकी लॉन्चिंग थी तो उसमें मलिक असलम साहब ने एक बात की थी कि हम अपने एक्स्ट्रा चार्जेस यानी कि जो जो भी में रह रहे होंगे तो उनके जो यूटिलिटी चार्जेस होते हैं उनका खर्चा भी उन पर कम करने के लिए हमने यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट की बिल्डिंग दी है ताकि उस बिल्डिंग के साथ हम इसको उसके एक्सपेंसि से इसके मैच कर सकें ताकि अपने मेंबर्स को हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सकें अब आते हैं लेआउट प्लान पर टोटल इसमें टोटल जो लेआउट प्लान है इसमें तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ इसमें टोटल देखा जाए तो चार टावर्स हैं जो बेसिक टावर्स हैं सबसे बड़ा टावर है वो जेड टावर है उसके बाद ऑल इंडिया टावर है ये दोनों आपस में एडजस्टेंड है उसके बाद सिल्वर बेल है और ये डेजी टावर है डेजी टावर बेसिकली होटल अपार्टमेंट्स के लिए है और ये एक टावर दो टावर तीन टावर और बेसिकली सर्विस बेजिए तीन मेजर टावर्स हैं जिसमें मैं एरिया काउंट करता हूँ मैं में ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव कनाल का एक टावर होगा जिसमें जेड टावर है जिसे सबसे पहले लॉन्च किया जा रहा है एमरल्ड टावर इसके साथ ही ऑल इंडिया टावर इसके जे टावर का 75 परसेंट एरिया सेल आउट किया जा रहा है और ऑल इंडिया टावर का 25 परसेंट एरिया सेल आउट किया जा रहा है फर्स्ट फेज में टोटल जो अपार्टमेंट है 1738 हैं उनमें सिर्फ 400 अपार्टमेंट हैं जो फर्स्ट फेज़ में लॉन्च किए जा रहे हैं जिनकी लॉन्चिंग कल से हो जाएगी मैं ट्राई करूंगा बेशक लेट नाइट से ही इस वीडियो को लाजम पब्लिक कर दूँ ताकि तमाम इंडिविजुअल्स को इसके हाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके अब आते हैं जिसमें इन हाउस कैंपस है बच्चों का किंड गार्डन और इसके अलावा इसमें आप सर्विस ऑफिस देख सकते हैं सर्विस अपार्टमेंट का मैंने पहले जिक्र कर दिया है ये तमाम चीज़ें इस फैसिलिटी में अवेलेबल होंगी अब टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट की बात की जाए तो स्टूडियो अपार्टमेंट यानी जिस अपार्टमेंट के अंदर ही आपका किचन होगा अंदर ही आपका वाशरूम होगा अंदर ही आपका बेडरूम होगा स्टूडियो अपार्टमेंट 260 है सिंगल बेड अपार्टमेंट जो है वो 914 है टू बेड अपार्टमेंट चार सौ पचास हैं थ्री बेड अपार्टमेंट अस्सी हैं टू बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट यानी कि डबल स्टोरी अपार्टमेंट टू बेड का आपको उसमें दस अपार्टमेंट्स मिलते हैं थ्री बेड डुप्लेक्स आपको फोर्टीन अपार्टमेंट्स मिलते हैं और फोर बेड डुप्लेक्स आपको टेन अपार्टमेंट्स मिलते हैं तो टोटल सेवेंटीन हंड्रेड थर्टी एट अपार्टमेंट्स लॉन्च किए जा रहे हैं आउट ऑफ दोज ओनली फोर हंड्रेड अपार्टमेंट्स आर टू बी लॉन्च ऑन प्री लॉन्च डेट अदरवाइज ऑल द रेस्ट ऑफ अपार्टमेंट्स विल बी लॉन्च ऑन लॉन्च डेट्स ये प्री लॉन्च डेट जो है वो दस हज़ार पाँच सौ है स्क्वेयर फीट और इसके लिहाज से बाकी अपार्टमेंट जो चार सौ अपार्टमेंट हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर होंगे यानी कि आप इन अपार्टमेंट की जो बुकिंग कर सकते हैं पांच परसेंट से कर सकते हैं और पांच परसेंट से आप अपनी मर्जी की लोकेशन भी चूज कर सकते हैं ये आपके पास एडिट बेनिफिट है सोसाइटी की तरफ से कि आप अपनी लोकेशन के साथ अपना अपार्टमेंट बुक करेंगे बाकी इसमें लग्जरी लिविंग की तमाम डिटेल एक्सप्लेन की गई हैं बाकी मैं आगे जाकर एक्सप्लेन कर दूंगा वो किसी और सेपरेट वीडियो में ये भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें लग्जरी डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो मैं ट्राई करूँगा वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकूँ उतना शॉर्ट करू स्पोर्ट्स वेल्ड फैसिलिटी होगी आपका पार्क हो गया किंडर गार्डन हो गया आपके मॉस्क होगी सब कुछ उन अपार्टमेंट्स के अंदर है क्रिस्टल लेक लगूना अब ये आपको जो मॉस्क नजर आ रही है इस मॉस्क के एलिवेशन देखें इसमें एक हज़ार नमाजियों की जगह है अब एक हज़ार नमाजियों की जगह मॉस के लिए बनाना बहुत बड़ी बात है और साथ ही अपार्टमेंट के साथ एक बहुत बड़ी मॉस एक हज़ार थी दस हज़ार थी आई डोंट एक्जेट रिम्बर द एग्जैक्ट नंबर ये जो लॉन्चिंग स्पीच थी उसमें आई थिंक मुजीब भाई ने या मलिक असलम साहब ने इस हाले से एक्सप्लेन किया था तो मैं उसका बाद में शोर कर दूंगा आपको लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी बड़ी मॉस बनाई जा रही है इन अपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिक जो इनकी अपनी प्राइवेट मॉस की होगी क्योंकि ये चार दिवारी के अंदर हो और इसमें किसी थर्ड पर्सन की एंट्री जो अलाउड नहीं है यानी सोसाइटी के अंदर एक सोसाइटी बन रही है

लिविंग इन यूके यूरोप और एनी स्कैंडवियन कंट्री तो वन यू मूव टू पाकिस्तान यू द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज टू लिव इन पाकिस्तान तो ये एक आपके लिए ऑप्शनल बात नहीं है ये कंपलसरी बात है क्योंकि आपको जो फैसिलिटीज चाहिए स्मार्ट सिटी उनको फैसिलिटेट करने के लिए उतना ही ज्यादा तकोदो तो कर रहा है ताकि तमाम मैंबर जो ओवरसीज से पाकिस्तान मूव करें उनको तमाम फैसिलिटीज़ ऑन ग्राउंड मिले बाकी इसमें जो इंटीग्रेट बेस्ड कलेक्शन सिस्टम है आपको ऑलरेडी सिस्टम को होगा जो इटली से इम्पोर्ट किया था उसके अलावा जी द स्मार्ट जी और कि अंदर ही आपके फूड आउटलेट जितनी होंगी वो होंगे अब आते हैं जी इंपॉर्टेंट चीज़ पर वो है जी इन अपार्टमेंट का जो है लेआउट प्लान अब लेआउट प्लान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह कि इन अपार्टमेंट को जो डिज़ाइन किया गया है वो एक स्पेनिश आर्किटेक्चर से डिज़ाइन किया गया है और इन अपार्टमेंट को अल्ट्रा लग्जरी तौर पर रखा गया है ताकि जिन भी मेंबर्स के पास ये अपार्टमेंट्स हों अगर वो पाकिस्तान में नहीं भी रहते तो इसको अगर अपने किसी रेंट आउट करते हैं आप किसी भी तरीके से तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसमें रिटर्न एंड मिल सके तो स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें तो टोटल इसका जो स्क्वेयर फीट एरिया बनता है वो बनता है आपका फोर हंड्रेड एटी थ्री पॉइंट थ्री टू स्क्वेयेर फीट अगर मैं इसकी कॉस्ट भी साथ आपको बता दूं कि प्री लॉन्च में इसका एरिया कितना बनेगा याद रही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे तो स्टूडियो अपार्टमेंट बड़े लिमिटेड होंगे आपको uh, मेरे हाल में ये ओन से स्टार्ट होंगे जब मिलेगा कोटा तो ओन से स्टार्ट होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे क्योंकि लिमिटेड हैं अब सैकड़ों लोग मांगने वाले हैं और बहुत लिमिटेड से प्लॉट हैं अपार्टमेंट्स हैं तो इनका जो एरिया कॉस्ट बनती है फोर हंड्रेड एटी थ्री स्क्वेर फीट इंटू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसकी जो कॉस्ट बनती है आपकी वो बनती है टोटल फिफ्टी लैक् सेवेंटी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसकी जो डाउन पेमेंट है वो फाइव परसेंट और वो बनती है आपकी दो लाख तिरपन हजार पाँच सौ पचहत्तर आपकी डाउन पेमेंट है एक स्टूडियो अपार्टमेंट की अगर आप फोर हंड्रेड थर्टी एटी थ्री स्क्वेर फीट का अपार्टमेंट लेते हैं तो अब इसमें अपार्टमेंट की बात की जाए तो एंट्रेंस के साथ आपके राइट साइड पर इसका डायरेक्टली वाशरूम है और वाशरूम के साथ आपके लेफ्ट साइड पर किचनेट है छोटी सॉरी वॉशरूम से आगे आपकी ये स्टडी टेबल है और स्टडी टेबल के साथ आगे डाइनिंग रूम डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है और साथ आगे बेडरूम है बेडरूम के सामने आपका टी वी बेसिकली

शाम को बैठ सकते हैं आपको फ्रेश एयर लाजमी मिलेगी क्योंकि यहां पे एक हाईरेस्ट बिल्डिंग है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी प्रिविलेज एरिया होगा अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं अब इतनी वन बेड अपार्टमेंट का लेआउट प्लान तो वन बेड अपार्टमेंट का टोटल एरिया जो बनता है वो बनता है सिक्स हंड्रेड सिक्सटी स्क्वेयर फीट कवर्ड एरिया है टेरेस का वन थर्टी फाइव स्क्वेयर फीट का है तो टोटल आपका सेवन हंड्रेड नाइनटी फाइव पॉइंट सेवन सेवन स्क्वेयर फीट है अगर मैं प्राइस की बात करूँ सेवन नाइनटी फाइव इंटू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपकी कॉस्ट बनती है एटी थ्री फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर पाँच परसेंट की बात की जाए तो डाउन पेमेंट बनती है चार लाख सत्रह हज़ार तीन सौ पचहत्तर ये आपकी डाउन पेमेंट है टोटल वन बेड अपार्टमेंट की अब बात करते हैं जी टिपिकल लेआउट प्लान है एक साथ जो उन्होंने इसकी एलिवेशन या डिज़ाइन दिया है स्टूडियो का जो किचनेट है उसका अच्छा खैर आप बात करते हैं टू बेड अपार्टमेंट्स की तो टू बेड अपार्टमेंट्स की जो एंट्रेंस है वो यहाँ से है। एंटर होते हैं साथ ही आपके सबसे पहले आपका आता है एक यहाँ पे आपका आता है सॉरी इस तरह आपका सबसे पहले एक बेडरूम आता है राइट साइड भी आपका बेडरूम है दोनों आपके बेडरूम जो अटैच बाथ के साथ हैं और दोनों बेडरूम बिल्कुल सेपरेट हैं आपके टीवी लाउंज के साथ अब इस अपार्टमेंट की अच्छी बात है कि इसमें एक सर्वेंट अपार्टमेंट भी है यानी सर्वेंट रूम भी है और बैक साइड पर आपके टेरस भी है जहाँ पर आप सेटिंग अच्छी बना सकते हैं लेकिन इससे भी अच्छी बात यह कि सर्वेंट रूम को अगर आप लाइट से पाकिस्तान में नहीं रहते और आप अपना अपार्टमेंट किसी को आप किसी केयर टेकर को देते हैं हैंडओवर करते हैं उसकी मेंटेनेंस के लिए तो उसको आप पूरे अपार्टमेंट को लॉक करके जा सकते हैं सिर्फ सर्वेंस अपार्टमेंट से ये लाउंज और किचन वाला एरिया ओपन होगा बाकी तमाम का तमाम एरिया आप यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं इसकी अच्छी बात ये है तो आपका अपार्टमेंट बड़ा वेल मेंटेंड होगा अगर आप जब भी पाकिस्तान मूव करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होगा बहरहाल एंटर होते साथ ही सबसे पहले आपका बेडरूम वन है फिर बेडरूम टू है और इसके साथ ही आपका लेफ्ट साइड में दोनों के साथ अटैच बाथरूम है और अंदर ही आपका जो एल ई वॉल्स बनी हुई है सब कुछ कंप्लीट होगा ये तमाम के तमाम अपार्टमेंट्स आपको विदाउट फर्नीचर मिलेंगे फर्निश्ड मिलेंगे लेकिन विदाउट फर्नीचर फर्नीचर आपको इट डेफिनेटली जो भी मैंबर मूव करेगा उसको अपना अरेंज करना पड़ेगा उसके बाद लेफ्ट साइड देखें तो टीवी लाउन के साथ ही बिल्कुल आपका एक छोटा सा किचन है और किचन के साथ ही आपके बैक साइड पे किचन के साथ ही आपके यहाँ पे एक सिंक है और सिंक के बैक साइड पे बिल्कुल आप देखें तो ये आपका सर्वेंट क्वार्टर है सर्वेंट क्वार्टर का इसके साथ ही वॉशरूम है सर्वेंट क्वार्टर के लिए सेपरेट एंट्रेंस है और आपके घर की मेन की सेपरेट एंट्रेंस है ये टू बेड अपार्टमेंट का टोटल एरिया बनता है टू बाइड अपार्टमेंट का टोटल कवर्ड एरिया बनता है आपका फोटीन हंड्रेड फोर्टी सिक्स फीट uh, 1446 फोर्टी सिक्स फीट जो एरिया बनता है फोटीन हंड्रेड सिक्स फीट इंटू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपका बनता है एक करोड़ इक्यावन लाख तिरासी हज़ार इसका अगर मैं फाइव परसेंट निकालू तो आपका बनता है सात लाख साठ हज़ार रुपये से आप टू बेड अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं अगर आप बुक करना चाहें फाइव परसेंट से याद रही ये प्री लॉन्च रेट है सिर्फ शुरू के चार सौ अपार्मेंट प्री लॉन्च रेट पे होंगे बाकी तमाम के तमाम अपार्टमेंट लॉन्च रेट पे होंगे और ये अपार्टमेंट मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट में ओन पर स्टार्ट होंगे और आप बुक करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रबा कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं जी आगे अपार्टमेंट देखें ये टू बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट यानी डबल स्टोरी अपार्टमेंट है इस तरह के कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में डुप्लेक्स अपार्टमेंट के हैं जरूर लेकिन वो ऐसे होते हैं कि जैसे शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक कमर्शियल प्लाजा होता है उसके ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं और ऊपर टॉप पे जाकर कुछ पेंट हाउस होते हैं जो डुप्लेक्स होते हैं यहाँ पर नॉर्मल सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर ग्राउंड फ्लोर सब पे डुप्लेक्स अपार्टमेंट ऑफर किए जा रहे हैं जो कि अपनी मिसाल आप इस पाकिस्तान में आपको यह वाला कॉन्सेप्ट नहीं मिलता अच्छा जी इस अपार्टमेंट की देखें तो इस अपार्टमेंट के एंट्रेंस जो है वो बनती है आपकी ग्राउंड फ्लोर से ये नीचे लेवल फ्लोर से आपकी एंट्रेंस बनती है एंटर होते साथ ही आपके डाइनिंग और लिविंग स्पेस है जिसकी डायमेंशन बनती है थर्टीन पॉइंट थ्री थर्टीन पॉइंट थ्री इंटू ट्वेंटी फोर बाय सिक्स यानी थर्टीन पॉइंट थ्री यू है और ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स यू है यानी साढ़े तेरह बाई चौबीस साढ़े चौबीस का आपका से टी वी लाउज होगा टीवी लाउंज के साथ ही आपका किचन होगा और किचन में भी आपका डाइनिंग टेबल लग सकता है और प्लस यहाँ पे आप आउटसाइड भी यहाँ पे टीवी लाउंज में भी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं प्लस सेटिंग स्पेस बना सकते हैं जैसे आपकी मर्जी करे दिल करे आपका और आपको बैक साइड पर इसके ट्वेंटी फाइव बाई फोर का टेरेस भी मिलता है ये टेरेस भी डबल स्टोर होगा डुप्लेक्स अपार्टमेंट का अब बात करते हैं इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पर रूम है और मेड रूम में वही चीज आपका मेड का रूम हो गया सेवन पॉइंट फोर इंटू ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो यानी साढ़े सात बाई चौबीस का मेडरूम है उसके साथ लॉन्ड्री स्पेस है बैक साइड पर बाथरूम है और इसके एंटर के साथ लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम है यानी आपका इस साल एरिए ग्राउंड फ्लोर पर ऐसा कोई लिविंग स्पेस नहीं है अब टू बेड का जो डुप्लेक्स ऊपर वाला फ्लोर है यानी आपका कवर्ड एरिया टोटल बनता है वो सिक्स हंड्रेड फिफ्टी फीट ग्राउंड फ्लोर का यह बनता है और फर्स्ट फ्लोर का एरिया जो बनता है वो आपका तकरीबन चौदह सौ बारह स्क्वेयर फटीट बनता है डुप्लेक्स अपार्टमेंट है तो इसलिए डबल स्टोरी अपार्टमेंट बनता है ऊपर आप फर्स्ट फ्लोर पर जब इस स्टेज से मूव करते हैं तो ये आपका ये डबल हाइटेड ये जो लॉबी है ये साथ डबल हाइटेड आपको मिलेगी यानी ऊपर तक ये जो सीलिंग होगी ये ट्वेंटी फीट की सीलिंग होगी टेन फीट की सीलिंग नहीं होगी नॉर्मल सीलिंग टेन फीट की होती है ये डबल ट्वेंटी फीट की सीलिंग के साथ है इसके साथ ही बिल्कुल बेडरूम है बेडरूम में फोर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू पॉइंट सिक्स की आपकी डायमेंशन है यानी साढ़े चौदह बाय साढे तेरह का आपका बेडरूम बनता है साढ़े चौदह यू और साढ़े तेरह यू डायमेंशन बनती है और इसके साथ ही बिल्कुल एडजस्ट बाथरूम है और बाथरूम की जो डायमेंशन बनती है दैट इज नाइन बाय फाइव पॉइंट सेवन यानी नाइन फीट यूं एंड फाइव पॉइंट सेवन यू फीट बनती है और इसके साथ दूसरा बेडरूम है जो इसके साथ एडजस्टमेंट है और साथ ड्रेसिंग टेबल है वॉक इन वार्ड्रोब है बाथरूम से साथ वॉक इन वार्ड्रोब है इसमें और इसमें एक बाथरूम जो है वो सिंपल है और एक वॉक इन वार्डरोप के साथ है ये टोटल एरिया जो बनता है आपका वो बनता है चौदह सौ बारह स्क्वायर फीट टोटल अपार्टमेंट के इसका एरिया अब मैं इसके कैलकुलेशन करूँ चौदह सौ बारह प्लस इसमें आई थिंक ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का एरिया शामिल है ग्राउंड फ्लोर का नहीं है ग्राउंड फ्लोर के एरिया इसमें बनता है सिक्स हंड्रेड फिफ्टी नाइन स्क्वायेर फीट तो टोटल एरिया बन गया आपका दो हज़ार इकहत्तर स्क्वर फीट इन टू दस हज़ार पाँच सौ तो आपका टोटल बनता है अपार्टमेंट ये डुप्लेक्स टू बेड दो करोड़ सत्रह लाख पैंतालीस हज़ार पाँच सौ जिसकी बुकिंग अमाउंट आपकी बनती है पाँच परसेंट से पाँच परसेंट बनता है आपका दस लाख सतासी हज़ार तकरीबन आप ग्यारह लाख रुपए देके ये वाला अपार्टमेंट डुप्लेक्स अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं इस वीडियो में तमाम की तमाम मैं प्राइस आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो भी इंडिविजुअल अगर इस इसमें बुक करवाना चाहते हैं तो ये आपके पास आज की रात है कल आई थिंक सुबह जब ऑफिस ओपन होंगे ग्यारह बजे तो ये तब तक बुकिंग खत्म हो चुकी प्री लॉन्च डेट पे अवेलेबिलिटी जिस तरह से है जिस तरह मार्केट में डिमांड है ये तमाम की तमाम फिर आपको एंड यूजर्स को एज ए ऑन पे ही बाई करना पड़ेगी तो आपके पास जितना जल्द हो सके आप इस पर रब्ता करने की कोशिश करें नेक्स्ट थ्री बेड अपार्टमेंट थ्री बड अपार्टमेंट में आपकी एंट्रेंस है एंड्रेस की लेफ्ट साइड पर आपकी लिविंग एंड डाइनिंग है एटीन बाई ट्वेंटी फोर की आपकी ट्वेंटी फोर एंड हाफ की आपकी लिविंग एंड डाइनिंग है इसमें आपका लिविंग राउंड आपका सोफा सेट प्लस टी वी लाउन प्लस आपका डाइनिंग रूम साथ ही किचन किचन के साथ बैक साइड में मेड रूम मेड रूम के अंदर ही आपका बाथरूम है और इस साइड से मेड रूम की सेपरेट एंट्रेंस है यहां से दरवाजा लॉक करके मेड रूम को सेपरेट किया जा सकता है अब बात करते हैं जी इस साइड की एंट्रेंस की एंट्रेंस के साथ ही सामने बेडरूम है बेडरूम 16.6 का है फर्स्ट बेडरूम सिक्सटी पॉइंट सिक्स इंटू ये बेडरूम की डायमेंशन बनती हैं और 9.6 पॉइंट सिक्स इंटू सिक्स पॉइंट जीरो यह इस बाथरूम की डायमेंशन बनती है इसके इस साथ एडिशन सेकंड बेडरूम है सेकंड बेडरूम की सेम डायमेंशन 15.9 पॉइंट नाइन इंटू यानी तकरीबन सोलह बाय चौदह साढ़े तेरह का रूम एक बनता है ये एक ही लाइन में तीन बेडरूम है और तीनों विद अटैच बात एंड इसमें किसी में भी वॉक इन वार्डरोप नहीं है यह तमाम थ्री बेड अपार्टमेंट का टोटल कवर्ड एरिया जो बनता है वो बनता है नाइनटीन हंड्रेड सेवनटी फोर स्क्वेयर फीट तो जो पिछला डुप्लेक्स टू बेड अपार्टमेंट था डबल स्टोरी अपार्टमेंट उसका दो हज़ार समथिंग स्क्वेयर फीट एरिया बनता था इसका नाइनटीन सेवेंटी फोर स्क्वेयेर फीट एरिया बनता है तो टोटल इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ नाइनटीन सेवेंटी फोर इन टू टन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपके पास आंसर आता है दो करोड़ सात लाख अगर मैं पाँच लाख पाँच परसेंट डाउन पेमेंट निकालू तो तकरीबन आपको वही दस लाख छत्तीस हज़ार पे आपकी डाउन पेमेंट बनती है ये थ्री बेड अपार्टमेंट की आपकी प्रॉपर लेआउट प्लान है अब थ्री बेड डुप्लेक्स में भी ऑफर किया जा रहा है अब डुप्लेक्स अपार्टमेंट में ऑप्शन है कि आपका थ्री बेड भी डबल स्टोरी अपार्टमेंट होगा अब इसमें अगर दिक्कत करें पहले थ्री बेड में ग्राउंड फ्लोर का तो ग्राउंड फ्लोर में टोटल एरिया बनता है आपका पंद्रह स्क्वायर फीट और आपका जो फर्स्ट फ्लोर का एरिया बनता है वो बनता है बारह स्क्वायर फीट ये आप जो है ये टॉप नॉच के अपार्टेंट आना शुरू हो गए यानी इससे ज़्यादा अभी एक्सपेंसिव फोर बेड है सिर्फ जो कि लिमिटेड दस यूनिट है सिर्फ लेकिन इसमें डिपिन पुल भी है यानी टेरस के साथ आपको डिपिन पुल भी मिलता है इस अपार्टमेंट में अब थ्री बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट है टोटल आप एरिया देखें तो पंद्रह स्क्वायर फीट आपका एरिया बनता है और सॉरी दोनों फ्लोर का मिला लें पंद्रह प्लस 1202 तो आपका एरिया बनता है सताईस सौ इक्यावन इंटू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपका एरिया बन टोटल कॉस्ट बनती है इस अपार्टमेंट की दो करोड़ अठासी लाख पचासी हज़ार पाँच सौ इसका पाँच परसेंट अगर निकालें तो आपकी बनती तकरीबन साढ़े चौदह लाख रुपये आपकी डाउन पेमेंट बनती है इस अपार्टमेंट की ये आपको अपार्टमेंट के एलिवेशन एक्सप्लेन करता हूँ ग्राउंड फ्लोर पे एंटर होते साथ ही लॉबी है लॉबी के साथ ही फर्स्ट फ्लोर को स्टेज मूव कर रही है सामने लिविंग एंड डाइनिंग रूम है लेफ्ट साइड पे आपके बाथरूम है और बाथरूम जो है इसके साथ ही आप बिल्कुल आप किचन है और किचन के साथ आपकी डबल हाइटेड लॉबी है यह आपका एरिया ग्राउंड फ्लोर का हो गया डायमेंशन एक्सप्लेन करें तो फोर्टी टू इंटू फिफ्टीन फीट इसकी यूं विथ है फिफ्टीन पॉइंट सिक्स यू है और लॉबी की फाइव पॉइंट है और ये डबल हाइटेड लॉबी इस अपार्टमेंट में अवेलेबल है और इसके बाद जी बै बैक, बैक साइड में किचन है किचन का जो साइज़ है वो ट्वेंटी पॉइंट थ्री इंटू सेवन पॉइंट सिक्स यानी कि बीस बाई साढ़े सत का आपका किचन बनेगा और उसकी बैक साइड पर बेडरूम है और बाकी चीज़ देखी जाए कि ओवरऑल इसमें जो चीज़ें ऐड होती हैं बैक साइड पर तो मैं उनका भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसमें जो बाकी चीज़ें हैं जैसे फॉर एक्जाम्पल बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का बनता है फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में आपका जो एरिया बनता है वो आप स्टेयर से जब ऊपर आते हैं इन स्टेयर से तो फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद आपका जो पहला बेडरूम तीन बेडरूम्स हैं पहले बेडरूम का साइज है थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू सिक्सटीन पॉइंट सिक्स फिर 14.3 पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट सिक्स और 13.5 थर्टीन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव ये मास्टर बेडरूम है और बाकी ये दो नॉर्मल बेडरूम है तो इन दोनों बेडरूम का टोटल एरिया मैंने आपको बता दिया ट्वेंटी सेवन फीट प्राइस जो आपको बता दिया अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की जो फोर बा इसमें एक अच्छी बात जो है वो टेरेस के साथ आपको डिप इन पूल भी मिलता है यानी आप लट से जी नाइन्थ फ्लोर पे हैं लेकिन आपके अपार्टमेंट के अंदर आपका प्राइवेट पूल है ये बहुत बड़ी बात है हर अपार्टमेंट में नहीं होता लट से आप सिक्स फ्लोर पे हैं सेवन्थ पे हैं फिफ्थ पे हैं तो ये डिपिन पूल का ऑप्शन अगर आपके पास है तो लाजमी नहीं आप पेंट हाउस ही बाय करें पेंट हाउस बाय करें तो आपको पूल की ऑप्शन मिलेगी इसमें आपको विदाउट बाइंग अ पेंट हाउस आपके पास पूल की ऑप्शन अवेलेबल है अब थ्रूबेट डुप्लेक्स अपार्टमेंट का ये सेकंड ऑप्शन है इसमें ग्राउंड फ्लोर पे 1280 स्क्वायर फीट है और फर्स्ट फ्लोर पे आठ स्क्वायर फीट है टोटल एरिया जो बनेगा इसमें वो बनेगा तकरीबन अराउंड 2000 समथिंग 2100 स्क्वायर फीट तक़रीबन और इस 2100 स्क्वायर फीट में ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस के साथ सामने डबल हाइटेड लॉबी है लेफ्ट साइड पे लिविंग एंड डाइनिंग रूम है राइट right साइड पे किचन है और लेफ्ट साइड पे साथ इसके स्टेयर्स हैं स्टेयर से अगर आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर आपके बेडरूम वन फिर आपकी डबल हाइटेड लॉबी उसके साथ ही आपका बेडरूम टू बेडरूम थ्री और इसके साथ आपकी क्लोजेट है इसमें आपको वॉक इन वॉडरूम मिलती है थ्री बेड के ऑप्शन में अब इसमें जी दूसरा ऑप्शन देखते हैं फोर बेड जो डुप्लेक्स अपार्टमेंट है उसमें एंटर होते साथ इसमें टोटल एरिया बनता है आपका उनतीस सौ स्क्वेयर फीट उनतीस सौ कितना ग्यारह और बारह उनतीस सौ तेईस स्क्वेयर यानी कि टू स्क्वायर नाइन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री स्क्वेयर फीट एरिया बनता है अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूँ टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री फीट इन टू टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज टू थ्री करोड सिक्स लाख इसकी प्राइस है इसका फाइव परसेंट अगर निकाल तो आपकी डाउन पेमेंट बनती है पंद्रह लाख चौंतीस हज़ार रुपया जिससे आप फोर बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट डबल स्टोरी अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं तो ये इसकी ओवरऑल डायमेंशन है तीनों जो इसके बेडरूम्स हैं वो ऊपर हैं एक बेडरूम इसका ग्राउंड फ्लोर पे है और इसके साथ इस अपार्टमेंट की स्टेयर्स हैं और बाकी इसका लेफ्ट साइड बाकी सेम वही मैप है वीडियो काफी लेंथी हो रही है तो मैं ट्राई करूँगा दूसरी वीडियो में इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ अपार्टमेंट वाइज सेपरेट वीडियो बना दूँ तो ये उस अपार्टमेंट की ओवरऑल आउटलुक है ये फोर बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट है जिसमें डिपिन पूल भी है सेम इसमें टोटल एरिया बनता है सत्रह सौ सो, सोलह स्क्वायेयर फीट ग्राउंड का और इक्कीस सौ इकानवे स्क्वायर फीट फर्स्ट का तो टोटल इसका एरिया जाएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ट्वेंटी वन हंड्रेड एंड नाइन्टी वन स्क्वायर फीट प्लस सेवनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन टोटल आपका उनतालीस सौ दस फीट एरिया बनेगा इंटू द टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी इसमें टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज़ इक्वल टू फोर को टेन लाख अपार्टमेंट है पाँच परसेंट अगर बुकिंग की बात करें तो वो बनती है आपकी बीस लाख बावन हज़ार ये आपकी बुकिंग बनती है फोर बेड डुप्लेक्स अपार्टमेंट की तो ये कि पहली वीडियो थी इसमें मैंने सिर्फ सरसरी या बाकी बेसिक चीज़ों को एक्सप्लेन किया है मैं ट्राई करूँगा आने वाले दिनों में इन, इन अपार्टमेंट की सेपरेट वीडियो बनाऊँ जब इनके मॉडल अपार्टमेंट्स रेडी होंगे साइड पर उनकी वीडियो भी तो ये ओवरऑल जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वन कैपिटल रेजिडेंस अपार्टमेंट्स के नाम से ये उसकी तमाम चीज़ें हैं इसकी अच्छी बात यह कि इस कपिटल की तमाम की तमाम चीज़ें अंदर हैं टोटल आपको कभी भी पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी ऐसे अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं मिलेगी जिसका सेवेंटी परसेंट एरिया ओपन हो यानी कि आपकी टोटल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है थर्टी परसेंट एरिया पे अराउंड ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री वन परसेंट एरिया और बाकी एरिया आपका ओपन है तो ये आपको पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है चार साल का पेमेंट प्लान है पाँच परसेंट डाउन पेमेंट है टेन परसेंट कन्फर्मेशन है ये तमाम की तमाम चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड ऑफ द डे जिसमें जो को फोन का मैसेज है इसमें जो डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ डी एच एल है उनका एंड पे मैसेज uh, है प्लस इसका जो डैनियल फ्रेल ऑटिज है इनका मैसेज है इस हवाले से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा बहरहाल आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है ट्राई करूँगा आने वाले दिनों में सेपरेट वीडियो बना बनाऊँ ताकि तमाम इंडिविजुअल्स को अपने लिहाज से जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए हो जो अपार्टमेंट बुक करना चाहते हो तो आप उस लिहाज से तमाम वर्किंग आपकी कंप्लीट हो सो विकॉर्ज दिस वाज इट फॉर टुडे अगर आप कैपिटल स्मार्ट लाहौर स्मार्ट बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे वाट्सअ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक लिए खुदा हाफिज